हे गाइज, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनीषा की दुनिया में। अभी शाम का टाइम हो गया है, लगभग 6:00 हो रहा होगा और अभी हम थोड़ा सा टहल रहे हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो हमारे घर के ठीक सामने जो गली निकलती है, यहाँ पीछे हमारी कार है, पीछे घर भी है। तो अब यहाँ से थोड़ा ऐसे टहलते टहलते जा रहे थे, रील्स भी बना रहे थे और इस टाइम ना थोड़ा अलग ही लग रहा था, अच्छा लग रहा है। अकेले वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, एक अलग ही है, मज़ा भी आ रहा है। और अभी मम्मी घर में, मम्मी रेडी हो रही हैं, अभी मार्केट जाना है, मार्केट से कुछ कुछ मम्मी को लेना था, मम्मी को लेके जाएंगे पहले टेलर के पास, क्योंकि मम्मी को ड्रेस सिलवाना है कुछ पटियाला, तो इसलिए अभी जाते हैं, क्योंकि ना ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर वो भी बंद हो जाएगा। बाकी अभी मिस्टर छत पर चढ़े हुए थे और मेरे को लगता है ना हम छत पे डेली नहीं जा पाते अपने घर के, क्योंकि छत तक जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है इसलिए। और अभी तो गर्मी का दिन है तो धूप भी बहुत ज़्यादा रहता है, तभी हम इधर टहल रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब सीरियसली बताओ, ये पूरा ना हरा भरा दिख रहा है और एकदम सुनसान है, मतलब कोई भी ज़्यादा वो नहीं है, भीड़ भाड़ एकदम अच्छा जगह है, बहुत पीस है यहाँ। और अभी मेरे को वो वाला घर दिख रहा है तो याद आ रहा है, क्योंकि हम लोग उस घर पे रहते थे ना, जो एक अलग ही रहता था, बहुत अच्छा लगता था वहाँ भी, यहाँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन उस घर पे क्या था ना कि तनु रहती थी, आशीष रहता था, तो अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग पूछने लगे थे आशीष कौन है, तो तनु का भाई है आशीष, और वो भी शायद बोल रहा था कि उसका भी फरवरी में एग्ज़ाम है तो उसको देख के वो आएगा। इधर से लाइट कम आ रहा है इसलिए हम इधर कर दिए हैं कैमरा। अब चलते हैं यहाँ से, और जब भी हम खाना बनाते थे, चाहे इस टाइम हम लोग बाहर टहलते थे ना, तो वहाँ पे तनु और आशीष दोनों बैठा रहता था उस वाले घर पे। बहुत सारा वीडियो वहाँ से भी हमने शूट किया है, अच्छा भी लगता है यहाँ पे। अभी शायद ऊपर में वहाँ कोई है नहीं, तो चलते हैं, मम्मी को बोलते हैं मम्मी जल्दी मार्केट चलते हैं वरना फिर दिक्कत होने लगेगी। और ये जेरी का दोस्त है। हम किचन में और अभी बना रही हूँ आलू और बैंगन का सब्ज़ी। सबसे पहले यहाँ पे तेल डाल के जीरा और हरी मिर्च डाल दिया हमने, उसके बाद फिर जैसे ही थोड़ा सा मिर्चा फ्राई हो गया उसके बाद हमने डाल दिया इसमें आलू। थोड़ी देर बाद आलू अच्छे से भुना जाएगा, उसके बाद हम डालेंगे बैंगन। और एक साइड चावल के लिए पानी बैठा दिए, क्योंकि थोड़ा सा चावल बनाना है, सबको ही आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ में चावल बहुत पसंद करते हैं, इसलिए हम चावल भी बनाते हैं। और इसके बाद से जैसे ही चावल हो जाएगा या फिर सब्ज़ी हो जाएगा, फिर हम एक तरफ रोटी बनाएंगे। थोड़ी देर बाद निशा का बर्थडे भी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे बहुत ही अच्छे से, क्योंकि आज है उसका बर्थडे, तो हमने तो सुबह ही में कर दिया था। और उसका थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, जिसकी वजह से हम बोल रहे थे दीदी कल देखेंगे, कल मना लेंगे, आज अजीब सा लग रहा है, तो हम बोले कि ठीक है देखते हैं, बट वैसे हम लोग को तो मनाना था। अब हम लोग ऐसे ही हल्का फुल्का लड़ाई करते रहते हैं, वो आप सभी को भी पता है होता है, तो इसलिए अभी गए थे मार्केट और उसको कपड़ा वगैरह जो भी लेना था वो अपना कपड़ा वगैरह हम लोग दिलाए। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया मार्केट, मम्मी के साथ गए थे तो वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें खरीदे, पर्स वगैरह जो भी लेना था, ड्रेस वगैरह वो हम लोग लिए। और उसके बाद से फिर से हम लोग गए स्ट्रीट में और वहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह खाए, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अभी आ गए किचन में, कुछ पार्ट हम पहले शूट किए हुए थे लेकिन वो क्या है ना कि नहीं हो पाया, और मम्मी भी जाने वाली हैं, तो मम्मी अब बहुत जल्दी जाने वाली हैं। हम बोले कि यार अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि अभी इतना खाली खाली सा मम्मी है तो भी, अब मम्मी नहीं चली जाएंगी तो और खाली लगता है, क्योंकि वहाँ ही थोड़ा भरा भरा आवाज़ थोड़ा गूंजते रहता है तो अच्छा लगता है। बट देखते हैं, बहुत जल्दी आएंगी मम्मी, क्योंकि बहुत सारा शॉपिंग वगैरह भी करना है, लेकिन अभी मम्मी को जाना पड़ रहा है इसलिए बहुत जल्दी आएंगी, अच्छा लगेगा। फिर अभी तब तक मेरा पेपर भी ख़त्म हो जाएगा, बस मेरा लग रहा है 2-3 दिन तक पेपर है, और पता नहीं क्यों जब भी मम्मी आती है ना हमारा पेपर ही पड़ जाता है, मेरे को खुद ही अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब क्या करें, वो हमारे हाथ में भी नहीं है, वो कॉलेज की तरफ से होता है। बट देखते हैं क्या होने वाला है, और खाना जल्दी से बना लेते हैं, क्योंकि मार्केट से आने के बाद एकदम मन नहीं कर रहा है बनाने का खाना, बट जल्दी जल्दी बना लेते हैं, टाइम 9 बजने वाला है। और फिर से कल मेरा पेपर है मेडिसिन का,
जनरल मेडिसिन का मेरा पेपर है, तो क्या है कि उसका भी तैयारी करना है, मेरे को पढ़ाई करना है। थोड़ा सा आवाज़ कम आ रहा होगा क्योंकि माइक नहीं लगाए हुए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी आवाज़ नहीं आता है ना, तो देखने का मन नहीं करता, बट माइक भी बहुत इधर उधर रहता है इसलिए। तो हम जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं और फिर मम्मी सबको ही पहले केक कुक कर जाएगा, हम भी रेडी होएंगे। उसके बाद से निशा भी हो रही है रेडी, हम बोलेंगे तुम जाओ अभी अपना रेडी हो जाओ अच्छे से, हम खाना पीना जल्दी से बना लेते हैं। बोलेंगे ठीक है, तो वो भी एकदम मस्त रेडी होएगी, उसका लुक आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन एक तरफ हम चावल थोड़ा सा बना दे रहे हैं जल्दी से। बाकी आज भी कॉलेज गए थे, आज का जो मेरा पेपर था वो भी बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया था। आप लोग पेपर देखेंगे ना, मतलब जो लोग अगर फिजियोथेरेपी कर रहे हैं वो लोग खुद ही बोलेंगे यार क्या मतलब मस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, एकदम ईजी सा क्वेश्चन आता है जो कि पढ़ाया हुआ रहता है सारा कुछ, तो अच्छा भी लगता है। और हमें बहुत सारा चीज़ लगता है कि नहीं आएगा, क्योंकि टीचर भी बता देते हैं पहले ही क्लास में कि जब भी जो चैप्टर होता है ना पढ़ाई उसके अकॉर्डिंग बता देते हैं कि इसमें से ये तुम लोग पढ़ लेना आ सकता है। तो उस टाइम हम लोग उस चीज़ को जो बच्चे ध्यान देते हैं ना उनके ज़्यादा सही होता है। वैसे मैं कॉलेज बहुत कम जाती हूँ, बट हाँ इस बार से भी जा रही हूँ कॉलेज, क्योंकि कॉलेज जा रही हूँ तभी मैं एग्ज़ाम भी दे पा रही हूँ, नहीं तो अगर मैं क्लास नहीं लगाती ना फिर एग्ज़ाम भी नहीं दे पाती। इसमें भी डिटेल होना था बट नहीं, बहुत अपना टाइम लगा के बहुत मेहनत करके हम कॉलेज जाने लगे और उसके बाद से अपना जो भी है अपना काम स्टार्ट करने लगे। नहीं तो बहुत लोग बोलते थे कि अरे एक साल बाद कॉलेज गई है, तो ये बात सही भी है क्योंकि एक साल बाद तो नहीं जाती, लेकिन हाँ बहुत कम जाते हैं कॉलेज क्योंकि ऑलरेडी हमको इतना इधर उधर जाना पड़ता है, तो इसलिए पहले इसमें ठंडा पानी डालते हैं क्योंकि डायरेक्ट गर्म पानी बेसिन में नहीं डालते हैं, इसीलिए इसमें डालते हैं। और आज मार्केट से ना हम चौकी बेलना ये खरीद के लाए हैं क्योंकि रोटी बेलते हैं ना, तो बहुत सारे लोग कभी कभी गेस्ट आते हैं घर में तो बोलते हैं कि वो नहीं है चौकी, तो इसलिए हम ले लिए एक और बहुत अच्छे रेट में मिल गया आज मार्केट से मम्मी के साथ गया। वैसे जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी मम्मी ने दी थी वो आता है ना चीनी मिट्टी टाइप का वाइट कलर का, वो बहुत ही सुंदर था, तो वो मम्मी मेरे को दी थी शादी के टाइम, तो वो भी हमारे घर से इतना बड़ा एक पेटी मिला हुआ था, उसी में जो भी सामान था मतलब कंबल रजाई वगैरह वो सारा कुछ उसी में था, और भी कुछ कुछ गुड्डा गुड्डी बॉल वगैरह जो खेलने की सारी चीज़ें होती है, पंखा वगैरह मम्मी बनाई थी। और पहले क्या होता है ना कि हम लोग दिवाली वगैरह पड़ता है तो जो डोर पे से जाते हैं वो सारा कुछ जो मम्मी दी थी ना, तो वो सब पेटी में ही था, इतना मेरे को हंसी आता है। तो कभी वो भी दिखाएंगे आप लोगों को, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, अभी दिखाए नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पहले खाना बना रहे थे, समझ में नहीं आ रहा कि आप बोले, अभी मिस्टर आज भी कुछ काम वाम कर रहे हैं बगल वाले रूम में, और उसके बाद सारे कैरम बोर्ड का हम गोटी भी लेके आए, मिस्टर आज लेके आए कैरम खेलेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि बाबू मम्मी और मिस्टर आज ये तीनों लोग के साथ हम भी खेलते थे, तो बहुत हंसी आती था। बहुत सारे लोग अगर पहले से जुड़े होंगे ना तो वो देखे होंगे, जब हम लोग टिकटॉक पर वीडियो बनाते थे ना तो मम्मी के साथ जब भी जाएंगे वीडियो बनाने मम्मी कैरम बोर्ड खेलती थी और बहुत हंसी आता था। लॉकडाउन में हम लोग बहुत मस्ती किए थे बहुत ज़्यादा। तो अभी हम खाना बना लेते हैं, मेरे को लगेगी थोड़ा आलू डाल देना चाहिए है ना, वैसे ज़्यादा सही। तो अभी चावल भी हो जाएगा थोड़े देर में, और निशा का जो भी है बर्थडे का डेकोरेशन हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा एक जरूर जो दिखा दे। तो एकदम अच्छे से सब कुछ डेकोरेट करने वाला है, कुछ गलत वगैरह नहीं लग पाया क्योंकि मम्मी भी जानवर तो इतना टाइम नहीं हो पाया, बट हाँ ये तो हमसे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे चेयर लग जाएगा और उसके बाद से केक कट होएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप लोग बने रहिएगा और खाना पीना बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सभी से थोड़ी देर में। तो सब्ज़ी ना चल जाए इसलिए सब्ज़ी बनाते, फिर आटा सान के रोटी बनाएंगे। तो बन रहे हो आप लोग,